He's like, no, I want all the attention. आपका नाम क्या है? अनीशा. मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ. मैं पहले बहुत शेल्टर काम करती थी. अभी पीपल फार्म पहली शेल्टर जामवार के बीच, फार्मिंग के बीच, प्रोडक्ट कोऑपरेटिव के बीच. ये मैं बहुत इंस्पिरेशन देना, तो मैं यहाँ है सीखना. कैसे लगा पता? देखना. ओके. ऊपर नीचे है ना एंगल. ये और जवान है, ये और बूढ़ा है. कलर लाइन यहाँ है और बूढ़ा है लाइन और लंबा और बहुत बूढ़ा और छोटा. जा. ओके. कितनी एज होती है इनकी? ओ 30. ये और डोंकी 30-40. हॉर्स थोड़ा कम. The best face expression of the year. You make the best faces. सीखना तो खैर इन्होंने क्या था, इन्होंने हमारे काम में 600 कमियां और निकाल दी, पर फीडबैक ही है जिसकी वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और इन्होंने तो हमें फीडबैक बहुत प्यार से दिया. फीडबैक तो अगर कोई चिल्ला के दे तब भी बजाय कि हम डिफेंसिव हो, हमें वो फीडबैक ले लेना चाहिए. हाँ, ये ज़रूर मैटर करता है कि देने वाला कितना अनुभवी है और देने से पहले उसने उस फीडबैक पे कितना विचारा है. तुझे कौन लेके बैठा है यहाँ पे? वजन ही तो लिया था. कुकर की सीटी बजी. चलो चलो बच्चे, टाइम हो गया. चलो कम ऑन. नहीं है कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है. डर रहा है. सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुनो. अपन तो अच्छे बच्चे हैं ना, अपन तो बड़े बच्चे हैं ना. ये मेरा बच्चा. आजा 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 आजा. उसके अब्डोमेन के अराउंड वायर ट्रैप लगा हुआ था, वो हमने इसका निकाल दिया था. उसका वो मतलब हील हो गया है वूंड, पर इसकी जो पेनिस की स्किन है वो रिट्रैक्टेड है, वो मतलब ऊपर नहीं चढ़ती है इसमें. तो हम उसके लिए सर्जरी करें जिसमें हम उसकी स्किन में कट देके उसको अब्डोमेन से टक कर देंगे, प्लस हम इसकी कास्ट्रेशन भी अभी साथ में करेंगे. सर्जरी के बाद कुकर की कंडीशन बेटर है. उसका जो पीनस एरिया जो था वो अब बाहर नहीं आ रहा है. कुकर का हैबिट भी ऐसा है कि वो थोड़ी गीली स्पेस पे बैठता है ज़्यादातर, तो उस वजह से वो थोड़ा सा साइड जो है वो गीली रह रही. डस्टिंग पाउडर या न्यूस्पोरिन पाउडर जो है हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो एरिया ड्राई रहे. अभी तक रिकवरी अच्छी है और एंटीबायोटिक्स हमने कंटिन्यू रखे हुए हैं. सबरी जिसको हमने गरों से रेस्क्यू किया था, जिसको पीछे वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजरी था, देखने से तो यही पहले हम लग रहा था कि उस पर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म पानी या तेल डाला होगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके स्पाइन तक से आगे तक इंजरी थी. उसको पैर के नीचे काफ़ी डीप था और उसको काफ़ी समय लगा हील होने के लिए, लेकिन उसकी हीलिंग अच्छी हुई. कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हो? हाँ घूमने जा रही हो? जाओ जस्ती डाले इसको बांधो. इसका एक्सीडेंट हुआ था, रिब्स में ना थोड़ा सा ऐसे क्रैक सा था जिसकी वजह से काफी पेन में थी ये. कुछ दिन से इसके कैल्शियम सप्लीमेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हीलिंग हुई है. सेल्फ हील ही होना था इस फ्रैक्चर को तो, और ये अच्छी खासी अभी रेडी है, खेलती कूदती है और अभी इसको कोई भी पेन नहीं है, तो हम इसको वापस रिलीज कर रहे हैं. है ना? भी तो उसके जो कॉलर्स थे ना वो खुद उसे लेने आए थे ताकि वो उसे उसी जगह पर रिलीज कर सके जो उसके सिबलिंग्स वहाँ थे. फ्रंट लेग टूटा हुआ है मे बी, एंड पूरे शरीर में काफी ज्यादा जख्म है. कहाँ भैया? यहीं पे था अभी. नहीं नहीं मैं बोले हचेल नहीं गया था ना, ये बड़ा डरा है बन गया. अंकल अपनी मूलियाँ बेचेगा तो कुत्ता देखेगा. को बोल के चेन पे बांध ले, कह रहे भैया बांध के रखी, जब आपके सामने करो ना कॉल. देखो कुछ कर रहे. एक तो इसको फ्लीस की वजह से डर्मेटाइटिस है. और ये एक्सपोज्ड बोन है क्या? एक्सपोज्ड बोन है लेकिन फ्रैक्चर नहीं है. ओके, तो वहाँ पे मसल बिल्ड हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन का कोई सीन? वो तो होगा लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ड्रेसिंग रहेगी ना रेगुलर, तो वो हो जाएगा ठीक. और ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं लेकिन ये हील हो जाएंगे. और ये पंजा इसका ऐसे ही रहेगा पचका हुआ? हाँ.
ये ऐसे ही रहेगा, सीधा भी नहीं होगा ज्यादा, पीछे मैगट वुंड भी है। नीम तेल लगवा सकते हैं हम? नीम ऑयल हम लगा सकते हैं, लेकिन उन्हीं जगहों पर जहाँ पे कोई जख्म ना हो। उससे फायदा ये मिलेगा कि जो टिक्स हैं या फ्लीज हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। लेकिन फिर भी हमने पाउडर अप्लाई किया क्योंकि वो बहुत इजीली निकल भी जाता है। ऑयल से थोड़ा सा है कि डस्ट वगैरह भी स्किन पे चिपकती है, उसको हम बात भी नहीं करवा सकते क्योंकि उसके बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं। पानी लगने की वजह से जख्म और ज्यादा खराब हो सकता है। चल तो गोफ पे जाना है, चलो छोड़ जा। प्रिंस तो लगभग हील हो चुका था उसका वुंड, डॉग बहुत ज्यादा ओल्ड था, उसको बिल्कुल आदत नहीं थी कैनल में रहने की, तो जब से वो आया था तब से बहुत ज्यादा रोता था, लेकिन हमने फिर भी बहुत पेशेंस से उसका वुंड हील किया। तो जब वो हल्की स्कैब रह गई थी तो हमने एक अच्छी मोटी जिंक ऑक्साइड की पेस्ट लगाई और उसके बाद उसको रिलीज किया। चल बड़ी नौटंकी है इसकी रसों से। बुलेट हमने रिलीज की, आई तो पैरालिसिस के लिए थी, उसके पीछे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से घसीट के चलने के कारण उसके पीछे के पैरों में बहुत ज्यादा घाव हो गए थे। लेकिन जब हमने एक्सरे कराया था तो जिस स्पाइन के पास में एक बुलेट नजर आई थी, तो उसके ही चलते हमने कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के लिए उसको यहाँ रखा हुआ था। काफी दिन वेट किया लेकिन हमें कोई डेट नहीं मिल पाई थी पालमपुर से। बुलेट को एक परमानेंट शेल्टर की जरूरत थी और हमारा जो है वो क्लिनिक है, इसलिए हमने केयर टेकर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात की और वहां पर उसको शिफ्ट करवा दिया। और ऑलरेडी काफी ब्लड निकल गया लग रहा है ना, ब्रेन कट हुई है इसकी, ब्लीडिंग हो रही है इसका बहुत ज्यादा, ये तो एम्पुटेट होने वाला है। हुआ क्या था इसको? एक्सीडेंट कुत्ते का देख के सो जान रहा हूं। आप मत रहो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जितना हो जाएगा डॉग तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। आप इनको घर लेके चले जाओ ना अभी, ठीक है? किसी गाड़ी वाले ने इसके बैक लग को पूरा क्रश कर दिया, तो उसकी वजह से जो इसका नीचे का जॉइंट है वो तो पूरा टूट गया, सारे नर्व्स टूट चुकी हैं। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पे सूचर लगा दिए। हम दो तीन दिन इंजेक्टेबल्स पे इसको रखेंगे, जैसे कि पेन किलर, एंटीबायोटिक्स हैं, ब्लीडिंग के लिए इंजेक्शन है और ड्रेसिंग भी रेगुलर हमें करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा स्टेबल होगा तब हम इसकी एम्पुटेशन सर्जरी करेंगे। लेकिन फिर आज फिर वही गिरी हुई थी तो बहुत मुश्किल लगी, सुबह का 8 बजे के लगे हुए। मैंने मेलोनेक्स लगा दिया था वैसे पेन किलर। सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही है, एनिमल को शिफ्ट करना हो, एनिमल को मूव भी करना हो ना, जहाँ पे है सबसे पहले पेन किलर लगवा लो। वहाँ पे ना एक खड्डा सा था, मतलब उसके ऊपर इसके पैर गया और वहीं पे बोन टूट गया। और वो जो गाय आई थी उसके हाइंड लेग फ्रैक्चर था, स्पेशली फीमर बोन पे, जो कि ठीक नहीं हो सकता था। मुश्किल है इसका, काफ़ी मुश्किल, और वजन भी बहुत ज़्यादा। इसमें किसी भी की तरह की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। पेन किलर हमने उसका कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन पेन किलर्स और जो भी एसेंशियल इंजेक्शंस थे वो देने के बावजूद भी वो बैठी रही, जिससे कि धीरे 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 उसकी बॉडी स्लो डाउन होने लगी, उस वजह से उसकी डेथ हुई। ये पपी हमने गगल से रेस्क्यू किया, जो रेस्क्यूअर आए थे तो उन्होंने बताया कि इसके पेट के नीचे स्वेलिंग जब हमने चेक करी तो हमें पता लगा कि उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है और ये डॉग बाइट की वजह से हुआ है। तो इंजेक्शन हमने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन दो तीन दिन बाद अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे जहाँ स्वेलिंग थी वहाँ फ्लैप बन गया, फ्लैप बनने से सारा का सारा फ्लूड था वो अपने आप ड्रेन आउट हो गया। तो अभी हम इसकी रेगुलर ड्रेसिंग कर रहे हैं और ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। हमने स्टिचेस करने का सोचा था लेकिन स्टिचेस से वियर एंड टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते थे, तो अभी हम ड्रेसिंग से ही कंटिन्यू रख रहे हैं। तो फिलहाल तो नई प्रोसेसेस, नए ट्रीटमेंट्स, नए सिस्टम्स की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो रखा है और भगवान ने चाहा तो हमारा रिकवरी रेट पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिर उसी समय और उतने ही संसाधनों में हम बहुत ज़्यादा जानवरों की मदद कर पाएंगे। तो जो भी मैं सीखूंगा 27 नवंबर को जो दिल्ली में हमारा इवेंट है, मैं उसमें आपसे साझा करूंगा।